हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग ऑफ द फॉलोइंग CH3OH। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोग सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन अ होमोलोगस होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जो सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है और सेम फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करता है उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग सेम मॉलिक्यूलर नेम हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एल्केन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर ये C2H2 × 2+2 ये पुट करेंगे तो C2H6 आएगा, C3 2 × 3+2 ये पुट करेंगे तो C3H8 आएगा, C4H2 × 4+2 ये पुट करेंगे तो C4H10 आएगा। तो ये सभी जो है इसका जनरल फॉर्मूला जो है सेम है CnH2n+2, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है सबका सेम है एल्केन। ठीक है, सबका नाम लिखोगे तो लास्ट में एन ही जुड़ेगा। ठीक है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल फॉर्मूला रहने के बाद जो लिखा जाता है वो होमोलोग सीरीज होता है। तो ये सभी होमोलोग सीरीज है। अब ये क्या है कि अगर दो लगातार बोलेंगे तो वो दो कंसेक्यूटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला आंसर हो गया। उसमें ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग ऑफ द फॉलोइंग CH3OH। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हो गया CH3OH। तो ये जनरली अल्कोहल से रिलेट करता है क्योंकि OH जो है फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट जो करने का है वो है CnH2n+1OH। जनरली इसी फॉर्मूला से अल्कोहल बिलोंग करता है। तो इसी इसी फॉर्मूला पे पुट करके एक दूसरा होमोलोग इसका अगर लिखें तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है, तो एन का वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा C2H5OH। और इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, दो कार्बन है उसके लिए हम लोग ईथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए AN, और अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है OH। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इसका हो जाएगा फॉर्मूला ये। इसका नाम जो होता है ये हो जाएगा एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ एनॉल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में अगर देखें तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2OH। तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। इसका बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है थर्ड मेंबर का। तो थर्ड मेंबर अगर एन का वैल्यू यहाँ पर 3 ले लें तो C3H2 × 3+1 और OH ये हो जाएगा C3H7OH, ये थर्ड है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर अगर लिखें तो ये कुछ इस तरह से होता है CH3CH2CH2OH। ठीक है, इसका नाम अगर लिखें तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN यूज करते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल थर्ड मेंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है।
बोला गया है कि नेम एनी टू पॉइजन फ्यूल। पॉइजन फ्यूल जो होता है वो फॉसिल से बना होता है, मतलब कि जमीन के अंदर जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको, अगर एग्जैक्ट हिंदी बोला जाए तो। खास करके कोल जो हमारा होता है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है ये हमारा फॉसिल फ्यूल कहलाता है। ठीक है, ये मरे हुए मतलब कि लिविंग थिंग्स के मरने के बाद उसी से बनता है। जैसे हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा, अगर बहुत सारा जंगल अगर वॉल्केनो के अंदर वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा और उसके अंदर चला गया होगा, और बहुत प्रेशर बहुत टेम्परेचर के बाद और बहुत सारा टाइमिंग के बाद, ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर के बाद, वो जो होता है पेड़ वगैरह जो कि वॉल्केनो के अंदर चला गया था वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में जो एक्वेटिक एनिमल होता है वो जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर सैंड का लेयर चढ़ जाता है, और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 वो भी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सभी जो है पॉइजन फ्यूल के एक एग्जाम्पल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।